आदाब सत श्रीकाल हेलो विड़क मैं हूँ रिचा डिवाइन विष्णु ऑडियो चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑल द एनकरेजमेंट ऑल द अप्रिसिएशन, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार करते हो, थैंक यू सो मच। और जिन सब ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार आपका, ठीक है। और चलिए अपना इसी तरह से ख्याल रखिए, खुश रहा कीजिए, स्माइल किया कीजिए। और कभी भी अगर थोड़ा सा आपको दुख लगे तो जस्ट लुक एट द क्लियर ब्लू स्काई। कहते हैं कि नीले नीले आसमान को देखने के बाद थोड़ा गम जो है अपना कम लगता है और थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। सो वॉच द सनराइजेस, वॉच द सनसेट्स फ्रॉम योर टेरेस, ओके। तो देर ब्यूटिफुल यू नो गिफ्ट्स ऑफ नेचर। सो नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, और जितना आप अगर आप कर सकते हो जस्ट बी सेफ एट होम इफ़ यू कैन नॉट यू नो। तो उसके बाद जो है नेचर में टाइम स्पेंड करके थोड़ी हीलिंग होती है, वॉक पे जाइए, जस्ट टेक अ स्ट्रॉल आउटसाइड, आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। एंड अदरवाइज आप घर पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो, कोई भजन बोल सकते हो, ठीक है। जैसे और सबसे पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, मैं बोलती रहूँगी अच्छा चलिए, लेकिन ये वीडियो टाइमलेस वीडियो है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। जो टॉपिक है, टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक ये है कि क्या आपका रीयूनियन होगा, ओके ये टॉपिक है। और मैंने आज यहाँ पे रखी है दो पाइल्स, ठीक है, दो पाइल्स रखी हैं यहाँ पे। सो आप जो है मैं आपको दिखाऊंगी कार्ड्स ताकि आप सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। सो मैं यूज़ करने जा रही हूँ जिप्सी ओरेकल डेक जो कि अब्रॉड से आया है, एंड ये इटली में क्रिएटेड है, ओके मेड इन इटली। और ये शायद US से UK से आया है, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने amazon.com से ऑर्डर किया था। सो ओके सो जो लोग रीडर्स हैं, दूसरे टैरो रीडर्स लेना चाहते हैं, आई एम श्योर अब ये कार्ड भी कॉपी कर लोगे आप, तो ये भी ले लो भाई, ले लो अब ये भी, ठीक है ओके चलिए, एनीवे जस्ट जोक्स अपार्ट, आई नो लाइक, ठीक है चलिए। सो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। पहला कार्ड जो पहली फर्स्ट पाइल है वो है गाइडेंस। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज गाइडेंस। सेकंड कार्ड वी हैव इज कंडीशनिंग। द फर्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज गाइडेंस, द सेकंड कार्ड वी हैव हियर इज कंडीशनिंग। गाइडेंस, कंडीशनिंग, I hope you guys can see the cards. Guidance, conditioning. Pile 1, pile 2. Pile 1, pile 2. Pile 1, pile 2. आप चाहे तो sorry friends. आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप बेटर सेलेक्ट कर पाएँ. Okay. So it's up to you. Okay. आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं ताकि सेलेक्ट कर पाएँ, आप देख पाएँ अच्छे से कार्ड्स को, देख लीजिए, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, ओके चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। और ये टू द पॉइंट रीडिंग होगी, यानी कि विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है। चलिए देखते हैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी, थोड़ा नॉइज होएगा बैकग्राउंड में बाहर, तो एक्सक्यूज़ इग्नोर मार देना प्लीज़। मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ वीडियो, बिल्कुल मॉर्निंग में, मतलब 8 बजे सुबह में शूट कर रही हूँ वीडियो, ओके। और चलिए देखते हैं कि क्या आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा। एंड फ्रेंड्स याद रखिए, जनरल रीडिंग है, टैरो में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता है, आप हमेशा चेंज कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, नहीं होता रेजोनेट उसे छोड़ दीजिए। Okay, first of all we have, the first card we have is Thief. Okay,
नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज रूम, विच इज द लिविंग रूम कार्ड. देन वी हैव थॉट. ब्यूटिफुल इमेजरी राइट ऑफ दीज कार्ड्स. दीज कार्ड्स आर मेड क्वाइट क्रिएटिवली, लाइक अमेजिंग कार्ड्स. यू नो एवर सिंस आई लर्न टैरो आई वॉन्टेड दीज कार्ड्स, सो आई एम सो हैप्पी आई हैव देम. Okay, then we have Widower. Okay, haughtiness. There's this peacock which is quite haughty about his parents. Haughtiness. Okay, then we have Melancholy. Okay, then we have the card is Wife. Yes, we have cards like that here. Wife. Cards ko arrange kar lete hain. Okay. Then we have priest. Okay. Constancy. Whatever that means. Constancy. Okay, conversations. Okay, then we have surprise. This surprise looks more like a trap, so beware. falseness. Sweetheart. शर्माई सी दुल्हन के जो बैठी है बगल में वही तो मेरी स्वीट हार्ट है. स्वीट हार्ट. ओ माय गॉड. यू डोंट बिलीव. पता कौन सा कार्ड आया. बताऊंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको. रीयूनियन. चलो जी, रीयूनियन का कार्ड ही आ गया आपके पास. ठीक है, बोलोगे रीडिंग देखने की ज़रूरत ही क्या है. हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको पूरा सिचुएशन बताई जाएगी. ठीक है, चलिए देखते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. या सो कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए बताऊंगी, कुछ लोगों के लिए मेरा मतलब बताऊंगी सबके लिए, लेकिन कुछ लोगों की सिचुएशन बता रही हूँ मैं. ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवोर्स ही हो, या इनका लीगल बैटल चल रहा हो. ठीक है, और ये जो पर्सन है इनका लीगल बैटल चल रहा है या इनका जो है डिवोर्स हो चुका है, या तो इनकी जो वाइफ है उन्होंने बड़ा तहलका मचा रखा है अभी इनकी लाइफ में. ठीक है, हो सकता है इनसे कुछ फाइनेंशियल लॉस भी उनको हुआ हो उस वाइफ की वजह से. ठीक है, और इनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं उनकी वाइफ की वजह से. हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनकी बेबी गर्ल हो या इनका बच्चे हो इनके. ठीक है, सो तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि भाई इनकी वाइफ ने जो है, जो अड़चन है आपकी सिचुएशन में, वो इनकी वाइफ की हरकतें हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी इनकी वाइफ है, तो इनकी वाइफ जो हरकतें कर रही हैं उनको आप लोगों को अलग करने के लिए, तो वो है, चाहे मैरिड है चाहे इनका लीगल बैटल चल रहा है, कुछ भी है, लेकिन इनकी वाइफ है जो प्रॉब्लम कर रही है आपकी लाइफ में. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मदर भी हो, कुछ लोगों के लिए मदर भी दिख मुझे फील हो रहा है चैनल मैसेज. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप उनकी मदर हो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि हो सकता है कि उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है किसी तरीके का, उनके बेटे को मतलब या उनकी बेटी को फाइनेंशियल लॉस हुआ है पहले एक रिलेशनशिप की वजह से, या किसी तरह का लॉस हुआ है उनको. हो सकता है कुछ केस में विडोवर भी हो सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप किसी को खोया है उन्होंने, गॉड फॉरबिड. ये भी हो सकता है कुछ केस में कि उन्होंने अपनी फैमिली में किसी को खोया है, गॉड फॉरबिड. तो ये चीज़ है. ये पर्सन जो है ना बड़े घमंडी हैं भाई, बहुत घमंडी हैं. मतलब अकड़ू, मतलब किस बात की अकड़ है भाई, आई डोंट नो.
ये पर्सन, इनको बहुत घमंड है भाई अपने ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर घमंड हो सकता है इनको, अपने लुक्स के ऊपर बहुत घमंड है इनको। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस या कल्चरल डिफरेंस है। इस पर्सन को कुछ लोग हो सकता है कि पर्सन आपसे एज में बड़े हों, या कुछ स्मॉल परसेंटेज पर्सन जो है अपने लेट 30s या अर्ली 40s में हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये जो पर्सन है उसके बावजूद भाई सफ़ेद बाल आ गए, उसके बाद भी इनका घमंड नहीं जाता अपने ऊपर से, ठीक है। सॉरी, डोंट माइंड मी, बट वो जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ये पर्सन आपके बिना बड़े अपसेट हो जाते हैं, ठीक है, घमंड है उनको, ठीक है। कुछ केस में मेरे चैनल में से सुनाई दे रहा है कि तुम मेरा गुरूर हो, तो आप उनका गुरूर हो भाई, गुरूर गुरूर, आप उनका गुरूर हो, ठीक है। उनको आपके ऊपर बहुत गर्व है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, इस केस में, ठीक है, ओके। फिर ये पर्सन जो है ना, आपको कुछ सरप्राइज दे सकते हैं सडनली, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, या ध्यान रखिएगा कोई ट्रैप ना हो आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये देखो फिश ट्रैप, फिश नेट है यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है आपके लिए कोई आपको सरप्राइज कर सकते हैं। ये अपना ना दुख, कुछ अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाते हैं आपसे। हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया है फॉल्सनेस, अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाते हैं फ्रेंड्स आपसे, ये मतलब बताएंगे नहीं, मन में तड़प तड़प रहे हैं आपके लिए। मन में ये हो रहा है कि यार मेरी शादी हो जाए इसके साथ, शादी हो, बच्चे हो। ये वाइफ का कार्ड आपके लिए भी हो सकता है कि शादी हो, बच्चे हो, फैमिली, मम्मी लाइफ सेटअप हो जाए इस पर्सन के साथ, बात बातें किया करो, बहुत सारी गुफ्तगू सोचते होंगे मन मन में कि मैं करूँ लेकिन करते नहीं है। ये अपने घमंड, अपने दे पुटिंग अप अ फसाड ऑफ हॉटीनेस, यू नो, वो इन्होंने एक मास्क पहन रखा है कि जी मुझे जो है किसी की ज़रूरत नहीं है, या मैं जो हूँ अपने में ही खुश हूँ। हर्मिट मोड में हो सकता है पर्सन चले गए हों, तो लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको स्वीट हार्ट मानते हैं, क्या बात है, स्वीट हार्ट मानते हैं आपको। हो सकता है उन्होंने आपको कभी कहा भी हो, ठीक है, स्वीट हार्ट वगैरह कुछ कहा हो इन्होंने आपको कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और क्या इस पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होगा भाई? अब मैं, मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें, रीयूनियन का कार्ड ही आ गया, मैं चाह के भी मना नहीं कर सकती आपको, ठीक है। रीयूनियन का कार्ड आ चुका है, क्या कहूँ अब मैं, तो रीयूनियन तो जी होके रहेगा, अब चाहो ना चाहो, ये पर्सन चाहे ना चाहे। लेकिन जहाँ तक तो मुझे दिख रहा है ना, ये पर्सन चाहते तो हैं, दिखाते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से बहुत चाहते हैं आपको, ठीक है। तो रीयूनियन तो होगा, क्योंकि अगर ये कार्ड नहीं आता तो मैं कह देती आपको कि नहीं होगा, लेकिन रीयूनियन का कार्ड आ गया है तो आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही, जैसे मैंने कहा था आपको, टू द पॉइंट रीडिंग थी ये, विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर टू की तरफ। सो पाइल नंबर टू की तरफ बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, चैनल को इस फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलेगा फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ एक्सक्यूज द नॉइज़ इन द बैकग्राउंड, ठीक है। ओके बाय, सी यू इन अनदर रीडिंग, बाय पाइल वन। ओके फ्रेंड्स, वेलकम पाइल टू, हाउ आर यू गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। चलिए अब देखते हैं आपकी रीडिंग, यानी कि क्या आपका रीयूनियन होगा आपके पर्सन के साथ, ठीक है। जिन्होंने कार्ड सेलेक्ट किया था कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, चलिए देखते हैं क्या मतलब आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा, ठीक है। पहला कार्ड हमारे पास आया है प्लेजर सीकर्स, ओ ओ, देन वी हैव होप, ओके, देन वी हैव चेयरफुलनेस। देखिए कितनी खूबसूरत कार्ड है भाई ये। देन वी हैव फेथफुलनेस, गुड कार्ड टू गेट, ओके। देन लास्ट कार्ड वी हैव इज फॉर्च्यून। इतने ही कार्ड आए थे इस पाइल में। देखिए प्री शफल कार्ड होते हैं, जितना यूनिवर्स को मर्जी हो उतने कार्ड आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, बताती हूँ आपको इन कार्ड्स के मीनिंग्स।
देखते हैं आपकी रीडिंग पाइल टू। ये पर्सन हो सकता है शुरुआत में आपके लिए सीरियस नहीं थे, ठीक है, इन्होंने इस कनेक्शन को बहुत लाइटली लिया या अभी तक लाइटली ले रहे हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। फिर कुछ ऐसा हुआ, आपकी फेथफुलनेस, आपकी लॉयल्टी देखकर इस पर्सन का जो है अवेकनिंग हो गई। इनको जो है हो सकता है इन्होंने चेक भी करा हो कि आप इनके प्रति कितने लॉयल हो, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक वगैरह करके या किसी के थ्रू स्टॉक करके इस तरह से कुछ करके उन्होंने हो सकता है चेक करा आप इनके प्रति कितने फेथफुल हो, कितने लॉयल हो। तो इस पर्सन को फिर उम्मीद जगी। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है इस पर्सन ने कभी इस तरह का प्यार देखा ही नहीं था जिस तरह का प्यार आप उनसे करते हो, ठीक है। इस तरह का प्यार उन्होंने कभी नहीं देखा था जिस तरह का प्यार आप लोगों के बीच में है, आप लोगों का कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है आप लोगों का। कुछ लोगों का हो सकता है सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। इस पर्सन ने इस तरह का कनेक्शन, इस तरह का प्यार देखा नहीं था, ये भी एक वजह है कि दे रन अवे फ्रॉम यू, वो आपसे दूर भागते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि दिस कनेक्शन इज़ वेरी इंटेंस फॉर देम, उनके लिए बहुत डीप है कनेक्शन, उनके लिए जो एक कनेक्शन है ऐसा कभी उन्होंने पहले फील नहीं किया आपसे पहले, ठीक है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि इससे पहले जो उनके कनेक्शन रहे हों वो लाइट हार्टेड रहे हों, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन, मतलब यू नो प्लेजर बेस्ड उनके कनेक्शंस रहे हों या सीरियस नहीं थे कनेक्शंस, या उन्होंने कभी प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया जिस तरह का ट्रू लव है आपका, आपका ट्रू लव है वो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया कभी। तो ये पर्सन जो है आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके प्रति फेथफुल है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ अगर आपके मन में डाउट है तो पर्सन आपके प्रति फेथफुल है, लॉयल है आपके प्रति। और फॉर्चून का कार्ड आ गया है जी, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्चून का कार्ड आ गया है जो सबसे बेस्ट कार्ड होता है इस डेक में, जिप्सी ओरेकल डेक में, दिस इज़ द बेस्ट कार्ड। इस कार्ड का मतलब ये है कि डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा, ठीक है, और इसका मतलब है आपका रियूनियन ज़रूर होगा, कुछ लोगों का विद इन 6 months हो सकता है, ठीक है, चैनल मैसेज था ये, ठीक है, 4 to 6 months के बीच में कुछ लोगों का रियूनियन हो सकता है। ओके, नाउ इट्स टोटली योर कॉल इफ यू वांट टू वेट फॉर दिस पर्सन और नॉट, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये थी टू द पॉइंट रीडिंग। आपका टाइम वेस्ट किए बिना, आपका कीमती वक्त वेस्ट किए बिना हमने आपको रीडिंग दे दी, बता दिया इस पर्सन की फीलिंग्स और क्या हुआ लाइफ में आप लोगों के बीच में, इनकी लाइफ में क्या हुआ। चलिए, अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हैं। फिलहाल मैं प्राइवेट रीडिंग्स ले रही हूँ, पर्सनल सेशंस ओपन हैं, तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हैं। उसमें मैं आपको बताऊँगी क्या इस पूरी सिचुएशन एनालिसिस होगी, उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, और मेरी अनलिमिटेड क्वेश्चन पॉलिसी है, रेमेडीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं मुझसे, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल है, काफ़ी लोग पूछते हैं हम कैसे लें पर्सनल सेशन आपसे, ईमेल है। अगर ईमेल का जवाब नहीं आ पाता है, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स आते हैं फ्रेंड्स, देर आर लॉट ऑफ ईमेल्स, और मैं अकेली सब कुछ हैंडल कर रही हूँ तो कई बार नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ मैं, तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप जो है मुझे मैसेंजर, आई मीन फेसबुक पे या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी आईडीज दे रखे हैं मेरे पेज के, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मिलूंगी नए दिन, नए वीडियो, नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, सेवनारा।